हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। और कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ भी आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ऐसा तो होगा नहीं आप लोग एक दूसरे से लव नहीं करते हैं। बताइए क्या बच्चे उसकी निशानी है, जी। बच्चे प्यार की निशानी है। हाँ ये तो मैं समझ गई। अब हंस क्यों रहे हैं? हाउ स्टूपिड यू आर। क्या सेंस नहीं है ना मेरे पास अभी भी बच्ची। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा और कसम से मानो ना, उस दिन गलती से अगर कुछ नहीं हुआ होता ना, तो आई नेवर कॉल्ड यू, आई नेवर टॉक यू, एंड आई नेवर 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 फोकस्ड ऑन यू। क्यों सर? कुछ नहीं, मेरे सामने आमने सामने मेरे आस पास हर जगह, बहुत ऐसी नहीं है कि मैं कभी लड़कियों को देखता ही नहीं हूँ, या ऐसा भी नहीं है मेरे पास लड़कियों के नंबर्स नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर बात उसकी नहीं है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है ये, जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, कि मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ एज मतलब रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, लेकिन मुझे नहीं पता था ना ये सब। और वैसे भी आपकी शादी हो चुकी है, मुझे ऐसा अच्छा लगता ये बताओ, है। हाँ बोलिए। वन थिंग टेल मी कि यस तुम मुझसे शादी कर सकती हो? नहीं ना, नहीं सर, कर सकती हो? नहीं, टेल मी द ट्रूथ। नो सर, अगर मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि यू कैन मैरी मी, कैन यू? नो सर, नहीं ना, नहीं। देन व्हाई कैन वी नॉट बी हैप्पी विथ ईच अदर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ हाँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात करने से, तुमसे तुम्हारे संपर्क में रहने से मुझे खुशी मिलती है, तुमको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे खुशी मिलती है, देन व्हाट द प्रॉब्लम? पता नहीं सर। तुम्हें पता क्या है ये बता दो, फिर मैं वही बात करूंगा। मुझे बस हंसना आता है, कुछ नहीं आता। तो फिर हंसो ना, मुझे तुम्हारी हंसी तो अच्छी लगती है। बोलो। ना हाँ, मुझे पागल ही तो चाहिए अच्छा जो हंसती रहे, बस हंसती रहे, हाँ अपने मस्ती में रहे। हंसती रहती हूँ, सीरियस बात ना फिर भी हंसती रहूंगी, इसीलिए तो वो कॉमर्स वाले सर बोल के चले गए। पूरा बेझिझक ये बताओ क्या दिक्कत है, लाइफ में खुशी चाहिए ना। हाँ ये तो है। अगर ये बताओ कि मैं कॉमेडी भी करूं और फिर भी तुम सीरियस रहो, मीन्स व्हाट? हाँ सर ये भी सही है, लेकिन मैं सीरियस बात पे भी हंसती हूँ ना, यही कमी फिर है। दिक्कत क्या है? हाँ मुझे डांट के भी सीरियसली बोलेगा ना, ये ना कर वो ना कर, फिर भी मैं हंसूंगी। पापा मुझे कुछ भी समझाएंगे ना, उसमें भी हंसूंगी, कहेंगे पापा पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, आप भी नहीं जानते। पापा को बोल दो हमारा जो भी होना है अच्छा ही होना है कि नहीं? अच्छा आप रोड पे जाके इस टाइम बात कर रहे हैं? अरे सर घर पे मैं गाड़ी चला रहा हूं और तुम फोन कटती तो मैं कहीं भी एक्सीडेंट कर दूंगा, तुम्हारी अभी कर कसम कर दूं। नहीं सर,
कल से ना तुम मुझे देख पाओगी ना मैं तुम्हें। अरे नहीं, ये क्या पागलपन। ये पागलपन है, हाँ लो और तेज कर दिया। अरे नहीं सर प्लीज हाँ नहीं। तो बोलो तो फिर मैं रोकूं। हाँ रोकिए। आप यहाँ नहीं रोकूंगा, यहाँ जगह अच्छी नहीं है। कहाँ हेलो, पे? हेलो हेलो, सड़कों आप कहाँ पे हैं? पे घूम रहा हूँ, बताओ। हाँ अरे सर घर जा रही है, क्या रात है, घर जाइए। अच्छा करूँ जाके, घर पे कोई क्यों जाता है? रोज क्यों जाते थे? अरे मैं कभी नहीं जाता था, तुमको कैसे पता मैं रोज जाता था। हाँ तो कहाँ रहते थे? बस ऐसे ही 11-12 बजे रात तक घूमता हूँ, फिर क्यों? जाता हूँ बाहर वाले कमरे में सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, कोचिंग आ जाता हूँ, कोचिंग से स्कूल आ जाता हूँ। और आपकी वाइफ? कोचिंग, हाँ आपकी वाइफ? माई वाइफ इज माई लाइफ, मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा मेरी जीवन, मेरी जिंदगी है तो मेरी वाइफ है। तो आप उनसे बात नहीं करते क्या? क्या बताइए, बताऊं, हमको क्या तुमसे बताऊं, बताइए। तुम फिर सबको बता दोगी। नहीं बताएंगे, पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस, हाँ मेरी कसम। चलिए आपकी कसम, लेकिन कसम नहीं देना चाहिए कभी भी। तू मेरी कसम ले लो ना, मैं मर भी जाऊंगा तो किसी को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अरे सर ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं हकीकत जानता हूँ। तुम्हारे लिए नए टीचर मिल जाएंगे, हाँ तो मुझे नहीं मेरी चाहिए वाइफ को नया रास्ता मिल जाएगा। ना, मुझे दीपक सरी चाहिए, पता बेस्ट क्लास टीचर। नहीं, आपको नहीं पता, मुझे हम लोग को पता है। अरे कभी ऐसा नहीं लगा। मेरे तो सिर्फ बॉयज फैन है, मैं जानता हूँ लड़के मेरे लिए सर जान दे हम लोग सकते कभी हैं। शो ही नहीं करते ना, बस यही प्रॉब्लम है। और बॉयज को हाँ आप पीछे जितने बच्चे बात करते हैं ना, एक बात, मुशाहिद हो गया, अश्वनी हो गया, कुछ भी हो गया, मैं हाँ। उनसे एक बार बोल दूं ना बेटा छत पे चढ़ के कूद जाना है, अगर ना कूदे तो बताना। और सर हम रीतिका, ये तो हम ही तीनों जानते हैं। रियली हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं आपको, और बाकी का नहीं पता। लेकिन हम लोग कभी शो नहीं किए हैं, क्या करेंगे शो करके, मानते हैं। नहीं वो बच्चे भी कभी शो नहीं किए हैं, पता है जब एनुअल फंक्शन हो रहा था ना तो अश्वनी के साथ झगड़ा हो गया था 12th वाले बच्चों का, हाँ, हुआ था। और मैं उसको निपटाने के लिए जब मैं गया था तो मैं अश्वनी को मैं ही बोला था कि बेटा तुम घर जाओ और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं देख लूंगा, तो वो गया तो उसको रास्ते में घेर लिए सब सर मारने के लिए, लेकिन समझी। सुनो मुझे ना वो सब मुझे गंदे बच्चे लगते हैं पहले, वो मेरे भक्त हैं। सर। तो आप अश्वनी मेरे पास फोन किया।